दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे मैलवेयर के बारे में जिसने गूगल के सर्वर पे बहुत घातक अटैक किया था। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन सा मैलवेयर है, आप उससे कैसे बच सकते हैं और गूगल की कौन कौन सर्विसेज को या फिर उनकी एप्स को उस मैलवेयर से खतरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी विक्रांत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उस मैलवेयर का नाम है गूलीगन। तो आप सब सोच रहे होंगे कि गूलीगन ही क्यों नाम रखा गया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको वीडियो के पहले बताया था कि इस मैलवेयर ने गूगल पे अटैक किया है, यानी गूगल के सर्वर पे अटैक किया है। तो जो गूगल कंपनी है उसने अपने पीपल को यानी कस्टमर को ये बताने के लिए कि ये वायरस आपके ऊपर भी आ सकता है, यानी ये मैलवेयर आपके मोबाइल पे भी हमला कर सकता है, तो इसने इसका नाम गूलीगन रख दिया। अब गूगल गूलीगन बिल्कुल एक समान है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ द गूलीगन कैंपेन वर्क्स, गूलीगन का कैंपेन कैसे वर्क करता है, यानी हैकर की टीम ने गूलीगन बनाया और गूलीगन के जो कैंपेन है वो वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आता है अटैकर्स का ब्लॉक। तो अटैकर की ग्रुप में सारे हैकर्स बैठे होते हैं, बेस्ट हैकर्स होते हैं भाई। अटैकर्स का पूरा टीम होता है और उनके पास खुद का कमांड एंड कंट्रोल सर्वर होता है। अब सर्वर क्या होता है, ये एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट को, यानी क्लाइंट उसमें कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन, एंड्रॉयड डिवाइस, iOS डिवाइस, विंडोज डिवाइस, ब्लैकबेरी डिवाइस, कोई भी डिवाइस, वो हो जाता है आपका क्लाइंट। तो सर्वर वो एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर है जो क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो एक अटैकर का ग्रुप होता है, उनके पास खुद का एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर होता है और ये जो गूलीगन है ये सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइस पे ही ज़्यादातर करता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एंड्रॉयड का मार्केट शेयर लगभग 78% है वर्ल्ड में। तो यानी जो भी हैकर्स की टीम होगी वो ज़्यादा जाएगी एंड्रॉयड पे, क्योंकि एंड्रॉयड के यूजर्स ज़्यादा है, तो ये एंड्रॉयड डिवाइस पे अटैक करती है और ज़्यादातर ये रूटेड एंड्रॉयड डिवाइस पे अटैक करती है। क्योंकि रूटेड एंड्रॉयड डिवाइस में क्या होता है, एक कंपनी होती है जैसे एंड्रॉयड है, तो वो अपने मोबाइल में कुछ वॉल्स क्रिएट करके देती है, सिक्योरिटी वॉल्स। तो जब रूटेड डिवाइस होगा, यानी उन वॉल्स को तोड़ दिया गया है, उस फीचर की, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जड़ तक की चला जा चुका है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो मैलवेयर होता है, यानी ये गूलीगन है, ये सबसे पहले आपके फ़ोन में जाता है और डेटा कलेक्ट करता है। तो जब डेटा ये कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद क्या करता है, ये रूटकिट्स को डाउनलोड करता है। तो रूटकिट्स होती क्या है, ये सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक अनऑथराइज यूज़र को एक कंप्यूटर सिस्टम पे या एक फ़ोन पे फुली कंट्रोल गेन करने को कहते हैं और बिना डिटेक्ट हुए, यानी आप इनको खोज नहीं सकते। उसके बाद दूसरा आता है कि ये रूटेड डिवाइस पे अटैक करते हैं, यानी फायरवॉल सब गिर चुकी होती हैं, उन डिवाइस पे अटैक करते हैं। और अगर वो डिवाइस रूटेड नहीं है तो उनको कोई ना कोई तरीके से वो रूट कर देते हैं, चाहे आपको ऐड पे क्यों ना क्लिक करना पड़े। उसके बाद ये फ्रॉड मॉड्यूल यानी फ्रॉडेंट मॉड्यूल ये डाउनलोड करवाते हैं। तो ये मॉड्यूल क्या होता है, तो ये मॉड्यूल होता है सेट ऑफ पार्ट्स, ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करने में यानी कंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या आया कि ये रूटेड डिवाइस पर अटैक करते हैं, अगर नहीं रूटेड है तो ये रूट कर देते हैं और ये उसके बाद मॉड्यूल मतलब डाउनलोड करते हैं। उसके बाद तीसरा आता है, ये ईमेल अकाउंट्स को स्टील करते हैं यानी चुराते हैं और ऑथेंटिकेशन टोकन्स को भी चुराते हैं। ऑथेंटिकेशन टोकन्स क्या होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिटी फीचर होता है, यानी एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को और आपकी इन्फो को मतलब सबको शेयर नहीं करता, सिर्फ आप ही ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी ईमेल अकाउंट्स चुरा लेता है, पासवर्ड चुरा लेता है और ऑथेंटिकेशन टोकन्स चुरा लेता है। ऑथेंटिकेशन टोकन्स ये बहुत सारे नाम है जिसमें एक की फॉब भी है, KEYFOB, और भी हार्ड की है बहुत। चौथा पॉइंट आता है इन्फेक्ट कोड्स यानी इंजेक्ट कोड्स।
तो सबसे पहले जब ये गूलिगन आपके मोबाइल में प्रवेश करता है तो ये कुछ कोडों को इंजेक्ट करता है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की दीवार होती है उनको वो तोड़ देता है, उनके फॉर्मेट को चेंज कर देता है। उसके बाद ये फ्रॉडलेंट ऐप आपके में डाउनलोड करता है। अब ये फ्रॉडलेंट ऐप क्या है, ये ऐसी ऐप है जो आपके में मैलवेयर लाती हैं, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर वाली ऐप होती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ये कहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो आप थर्ड पार्टी ऐप को या फिर डाउनलोड करते हैं कोई और वेबसाइट से, प्ले स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्ले स्टोर पे भी बहुत सारी मैलिशियस ऐप्स आती हैं, लेकिन प्ले स्टोर में इतनी नहीं आती हैं क्योंकि सिक्योरिटी फीचर बहुत हाई है। अगर आप कहीं और वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हैं या कोई आपके पास ऐड आ जाता है कि योर फोन गॉन वीक एंड पता नहीं कुछ कुछ ऐसे वीडियो आते हैं, तो आप उन पर क्लिक कर देते हैं, तो वो उन एड्स को क्या कहते हैं, फिशिंग कंपेन। तो इसकी स्पेलिंग है PHSHING, ये फिशिंग की तरह प्रोनाउंस होता है, तो इसका नाम है फिशिंग कंपेन। तो वही कंपेन वो एड्स भेजता है और ज्यादातर जनरली वो सब मैलिशियस होते हैं। तो आशा करता हूँ आप अवेयर हो गए होंगे गूलिगन वायरस से। तो आपको क्या करना है, थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना, कोई भी ऐड पे क्लिक नहीं करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज लाता रहता हूँ। धन्यवाद।